अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. आज का टॉपिक है फाइव थिंग्स विच वी यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज. पांच ऐसी चीज़ें जो आपको अपने दिमाग में रखनी है जब आप किसी भी टाइप का योगा और फिर आप जिम या फिर आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं. ऐसी ऐसी चीज़ें हैं. फर्स्ट होनी चाहिए ड्रेस कोड. ड्रेस कोड आप वही पहनिए जो इसमें आप कंफर्टेबल हैं. कुछ भी पहन सकते हैं, इसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप ड्रेस पहनिए. दूसरी चीज़ है बाल. बाल आपके हमेशा टाई अप होने चाहिए ताकि आपके मुंह पे बाल ना गिरे. और स्वेटिंग की वजह से अगर आपके बाल गीले हो जाते हैं तो आप बाद में उसको खोल के सुखा सकते हैं. तो एट द टाइम ऑफ द एक्सरसाइज यू शुड ऑलवेज टाई योर हेयर टाइटली. थर्ड चीज़ है स्पोर्ट्स ब्रा. ऑलवेज वेयर अ स्पोर्ट्स ब्रा व्हाइल परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. सो किसी भी टाइप का अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप जिम करते हैं तो प्लीज़ स्पोर्ट्स ब्रा पहनिए. ये आपके क्या होता है, नॉर्मल ब्रा में आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता तो इसकी वजह से आपके ब्रेस्ट टिश्यू जो होते हैं वो भी डैमेज्ड होते हैं और ब्रेस्ट सेगिंग की भी प्रॉब्लम आती है. और तीसरा पॉइंट है एक बॉटल रखिए अपने पास, वाटर बॉटल रखिए ताकि आपको एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम आपको बाहर जाके बॉटल में पानी लाना पड़े और आपका टाइम भी इससे वेस्ट नहीं होगा और आप डिस्टर्ब भी नहीं होंगे. तो आप कंफर्टेबल जोन में रह के ही आप अपना एक्सरसाइज को करिए. मैट होना चाहिए. योगा मैट आप किसी और का योगा मैट प्लीज़ यूज़ ना करें. मैंने देखा है लोग दूसरों का योगा मैट यूज़ कर लेते हैं. नो, बहुत ही अनहाइजीनिक होता है ये किसी और का योगा मैट यूज़ करना. और बच्चों को तो प्लीज़ किसी और का योगा मैट कभी ना दें और अपना भी अलग से ही रखिए. और शूज़, ऑलवेज वेयर शूज़ वेन ठीक है. अगर आप योगा नहीं कर रहे हैं तो योगा कर रहे हैं तो फिर आप ऑब्वियसली बिना शूज़ के ही करेंगे. मगर आप अगर कोई भी दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं योगा के अलावा, योगा पहनते वक्त हम शूज़ नहीं पहनते हैं, तो अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ वेयर शूज़ क्योंकि आपके हील के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है. उस प्रेशर से क्या होता है, उस प्रेशर से आपके हील में पेन होता है. तो उस पेन को अवॉइड करने के लिए एंकल में पेन होता है तो क्योंकि प्रेशर की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, हील प्रॉब्लम हो सकती है आपको. तो प्लीज़ आप एक स्पोर्ट्स शूज़ पहनिए. एक लाइट स्पोर्ट्स शूज़ होना चाहिए आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक अच्छा स्पोर्ट्स शूज़ पहनिए और उसके बाद ही अपने एक्सरसाइज को करिए. ज़्यादातर मैंने देखा है ये प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता मेंस के बारे में बट वुमेन में ये प्रॉब्लम आती है, हील प्रॉब्लम आती है क्योंकि उस पर हमारा पूरा वेट पड़ता है हील में. ऑब्वियसली मेन को भी होती होगी बट मैं अपने बारे में अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हाँ, ही विदाउट शूज़ अगर आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आपके हील्स में प्रॉब्लम हो जाती है. तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये प्लीज़ अपने माइंड में रखिए जब आप योगा परफॉर्म करते हैं या फिर किसी भी टाइप की फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं. बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं. आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.